Oh, Daddy. Daddy, आप क्यों देख रहे हैं मुझे इस तरह? मेरी मर्जी? कौन रोक सकता है मुझे? आप इस कमरे से बाहर जाइए। नहीं जाता। क्या कर लेंगे आप? तो ठीक है, मैं अपना जाना ही कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल करोगी ना तो तुम्हारी सहेलियाँ ताने मारेंगी। आप मेरी सहेलियों से जलते हैं। हाँ हाँ जलता हूँ, हरगिज जलता हूँ, क्यों ना जलूं? यही वो सहेलियाँ हैं जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाती हैं। जब देखो एडवेंचर चाहिए, कभी तो पिकनिक पर चली जाती हो, तो कभी कैंपिंग पर चली जाती हो, और कभी तो। ओ डैडी डियर, मैं तो सिर्फ 15 दिन के लिए तो जा रही हूँ। 15 दिन? कितनी आसानी से 15 दिन कह गई बेटी। तुम्हारे 15 दिन मेरे लिए 15 साल के बराबर है। डैडी, जब 15 दिन सुनकर आपकी ये हालत है तो मेरे लिए लड़का क्यों ढूंढ रहे हो? अरे भाई, लड़का ढूंढना मेरा फर्ज और सामाजिक जिम्मेदारी है। तो डैडी, घर जवाई ढूंढ लीजिए। घर जवाई? हाँ, वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पैसों की इज्जत करेगा। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जिगर के टुकड़े को ले जाए अपनी पलकों पर बिठा कर रखे। ओह डैडी, आई लव यू। जो लोग ये कहते हैं कि बिन माँ के बच्चे अभागे होते हैं, उन्होंने शायद मेरे डैडी को नहीं देखा। आई लव यू बेटा, आई लव यू वेरी मच। साहब जी, साहब जी। क्या है? साहब गड़बड़ हो गया साहब। दिल्ली से एक साहब आया, बोलता तुम्हारे साहब के पास इतना पैसा कैसे आया, इतना बड़ा बंगला कैसे बनाया। क्या बकवास करते हो, कौन है वो? शिहाजी का आदमी है साहब, पैसा छुपा दीजिए। चुप करो। कहिए कौन है आप? इतनी दौलत कहां से आई तुम्हारे पास? अपनी मेहनत से। लेकिन ये बताइए कि आपसे क्या? अबे तू तो बचपन से ही काम चोर है। अबे वर्मा, तू तू नहीं सुधरेगा। अरे यार। अबे सीआईडी इंस्पेक्टर के बच्चे, अरे बहादुर सर डंडा तो लाओ। गुड टू सी यू यार, कैसे आए, कैसे आना हुआ? एक केस के सिलसिले में यहाँ पर आया था। वर्मा अंकल, हैंड्स अप। पकड़ा गया। ये तो लूट मार है। गुड लक अंकल, अब मैं चॉकलेट से भी बड़ी हो गई हूँ। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई? हाँ भाई, इतनी बड़ी हो गई है कि 15-15 दिन के लिए हमें छोड़ के चली जाती है। अच्छा, मॉर्निंग अंकल, मॉर्निंग अंकल। लो आगे। अरे जुलूस कहाँ से आ गया? गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। अंकल ये मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं इनके साथ नैनीताल जा रही हूँ। जल्दी करो, स्टेशन पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। या जस्ट अ मिनट डैडी, मैं जाऊँ? हाँ बेटी, अपना ख्याल रखना। बाय डैडी। बाय बाय बेटे। Have a good time. Thank you. All the best. Bye, uncle. Bye, Victor. Bahadur, mera saman to lekar aao. Okay. Bye, 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 bye. Have a good time. Bye, 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 bye. Bye, bye, beta. Miss you, daddy. All the best. दिल छोटा मत कर मेरे यार, एक दिन हम दोनों को मिलकर अपनी बेटी की डोली उठानी है। चल दारू शारू पीते। कम ऑन। टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करूंगा, वरना तुझे बना क्या? हाँ, अरे कमाल, क्या करेगा तू? तेरी तो जय साले। उस्ताद, जरा हमसे तुम हाथ मस्ती मत किया करो, समझे? और बाथरूम में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो तब देखो तुमका, समझे? क्या क्या बे, धमकी देता है? अभी बताता हूं तेरे को। हट। क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अबे जा, चल जा मुंह हाथ धो के, जल्दी एक चाय बना के ला, बढ़िया सी। जाके अभी जिप्सी लेने गराज से, याद है? चाय बना।
आज ऐसी चाय बनाऊंगा, ऐसी चाय बनाऊंगा कि अरे 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 गिर गिर, अरे देखो मासिस, अरे दैया अरे दैया, अरे लग गया। चाय बनी गरम गरम चाय पियो, लाल छड़ी मैदान खड़ी, चाय पिला चाय, चाय ला रहा हूँ चाय, चाय चाय गरम गरम चाय। मासी बिगड़ा दी देखो, अरे हड्डी हड्डी। अरे पाशा क्या है, जल्दी कर यार, देर हो रही है, घर आ जाना है, चल 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 जल्दी कर, प्लीज कम ऑन। अरे कपड़े तो पहनने दे उस्ताद। लगता है आज अपनी लॉटरी निकलने वाली, मेरे दिल की घंटी बज रही है टन 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 टन। अच्छा डाल डाल ना यार, बस चल। एक्सक्यूज मी मैडम जी, चाहिए बदमाश कहीं का। चेहरा तुम्हारा इतना है प्यारा, दिल में छुपा के ले जाते हम। चेहरा तुम्हारा इतना है प्यारा, दिल में छुपा के ले जाते हम। तुमको तुम्हीं से एक दिल चुरा के, नजरें बचा के ले जाते हम। चेहरा तुम्हारा इतना है प्यारा, दिल में छुपा ले जाते हम। अगर
लटाए, गालों पे फूलों की लाली, हाँ बालों में काली घटाए, गालों पे फूलों की लाली, कली की हंसी अदा शोखिया, हर एक चीज तुमने चुरा ली, जादूगरी जो आती हमें तो जादू चला के ले जाते हम, जादूगरी जो आती हमें तो जादू चला के ले जाते हम, तुमको तुम्ही से एक दिन चुरा के नजरें बचा के ले जाते हम, चेहरा तुम्हारा इतना है प्यारा दिल में छुपा के ले जाते हम, व्हाट अ प्लेस यार। सांस लो तो जैसे सीने में ठंडी हवा उतर रही है। सपना देख तेरा आशिक यहाँ तक चला आया। वेलकम टू नैनीताल। एक बात तो बताइए मिस्टर जी, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए, पहले तो सारे रास्ते तंग किया और अब यहाँ तक आ पहुँचे। कमाल करती हैं आप, आगे आगे जब आप जा रहे होंगे तो हमारे उस्ताद तो खींचे चले आएंगे। शट अप। नाराज क्यों होती हो मैम साहब, अब तो जब तक आप नैनीताल में हैं हमारा ही साथ रहेगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं इस होटल का गाइड हूँ, सूरज मेरा नाम है और टूरिस्टों को नैनीताल घुमाना पंदे का काम है। हाय, हमें भी तो घुमाओ। आप यहाँ के गाइड हैं। एट योर सर्विस मैडम। आप जरा सा आराम कर लीजिए, मैं भी थोड़ा आराम फरमा लूं और फिर आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। ओके मिस्टर सेवक, बाय। चलो रजनी, बाय बाय बाय। हालांकि उसकी शरारत पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ऐसी लगी जैसे जन जन से जानी पहचानी हो, और उसकी आंखों की चमक जैसे आंखों से होकर सीधी दिल में उतर गई हो। एक्चुअली नाम तो है उसका सूरज, लेकिन मैं उसको क्या पुकारूं? रोमियो, रोमियो। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, आज आपको लोहागढ़ घुमाया जाएगा। कम ऑन फास्ट एवरीबॉडी। ये सपना, तुम्हारा खत। मेरा खत? ओह, डैडी का। ए, क्या लिखा है? फिर एक लंगूर को मेरे लिए पसंद किया है। लिखा है उसे समझ लो और फिर शादी का फैसला कर लो। ओ गॉड, वो तो आज ही आ रहा है। हाँ? और शायद अभी आ जाए। माय गॉड, फोटो कहाँ है? वाह, कितना हैंडसम लड़का है। हाँ, हैंडसम तो है। अमेरिका से आया है बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके। फिर देर क्या है, पासपोर्ट बनवा ले। समझे यार। यार सपना, शादी तो एक नए दिन तो करनी ही है। तो मुझसे क्यों नहीं, मैं मर गया हूँ क्या? हाँ बॉस, मैं तो बोल दे रहा हूँ ना, हड्डी आने से पहले कबाब को हटा डालो वरना तुम्हारे सपनों का कीमा बन जाएंगे। मैं बोल दे रहा हूँ। राइट आशा, चल। ए धनक सिंह, गाड़ी स्टार्ट करो, चलो देर हो रही। चलो चलो चलो, अरे फास्ट, काम काम, आओ अलैको हीरोइनो। अरे आओ जल्दी यार, आज कितने लेट हो गए यार, कब निकलेंगे, कब लौटेंगे? फास्ट फास्ट फास्ट, चलो चलो। तनक सिंह जल्दी निकल यार, लगता है वो विलायती बाबू आ गया है। अरे भाई सुनो। सलाम साहब। सलाम।
वो जो बंबई से लड़के लड़कियों का ग्रुप आया है वो कहाँ है? अभी अभी तो उन लोग का बच गया शॉप। ओ हेल, अच्छा ठीक है जाइए शॉप। दीवान जी, ओ दीवान जी, क्यों दीवान जी अब हमारी भी तलाशी होगी क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, पंडित जी बैरियर उठाइए। दीवान जी जरा एक मिनट के लिए। दीवान जी वो क्या है कि पीछे से एक रखो। अरे क्या बात है, गाड़ी नीचे उतरो, उठाइए हमें जल्दी जाना है प्लीज। गाड़ी की तलाशी लेनी, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। अरे भाई साहब हमें आगे जाने वाली बस पकड़नी है और आप लोग, हम गर्मी से तंग ऐसी बात की लेते हैं, गाड़ी की तलाशी होनी है। पंडित गाड़ी की तलाशी लो। बस हो गई आपकी तलाशी पूरी? अरे भाई आजकल स्मगलरों ने नए नए तरीके अपना लिए। अरे पंडित जी ये शरीफ आदमी लगते हैं, इन्हें जाने दीजिए। चाहिए भाई साहब। थैंक यू। ये बस है कि रेलवे का इंजन? कनक सिंह क्या हुआ? गाड़ी का इंजन गर्म हो गया साहब। साहब अरे तेल पानी चेक करके नहीं निकलते क्या? अरे अरे उस्ताद भाई को फिक्र करते हो, मैं हूँ ना, जब तक इंजन ठंडा होता है मैं पब्लिक को गर्म कर देता हूँ। अब देखो कमाल पाशा का कमाल। आइए तो भाई बहनों, इंजन बंद क्यों हुआ? क्योंकि पेट्रोल में मिलावट थी। पेट्रोल में अगर आदमी पेट्रोल से चले तो क्या होगा? तो क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो फिल्मी दुनिया में क्या होगा? पता चला शूटिंग चल रही है, हाँ शूटिंग में अचानक एक ही एंगल का पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या करें? एक एंगल वही। तो उनको किसी ने सजेस्ट किया, अंकल साहब पास में अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहे हैं और उनके पास पेट्रोल एक्स्ट्रा है क्योंकि टाकी बहुत बड़ी। उनसे पेट्रोल उधर मांग लो, कल वापस दे देना। अब अंकल साहब पेट्रोल मांगेंगे अमिताभ से, पहुंच गए। अरे क्या जमाना आ गया है। अरे एक एक बूंद पेट्रोल को तरस रहा हूं मैं। अरे तुम्हारी टाकी बहुत बड़ी है अमिताभ, आधा लीटर पेट्रोल दे दो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। अंगो साहब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं लेकिन पेट्रोल के लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं। अरे आप दूसरी कोची मांगे हुए देने को तैयार हो लेकिन पेट्रोल नहीं नहीं नहीं। अमिताभ ने मना कर दिया, पास में कहीं राज बब्बर शूटिंग कर रहे थे, राज बब्बर को पता चला वो भागे भागे अमिताभ से बोले। कमाल करते हैं आप, एक आदमी पेट्रोल की तरफ है, आज उसको पेट्रोल की जरूरत है कल आपको भी होगी, आपको भी कोई पेट्रोल नहीं देगा। सो स्वीट। ए राज, जब दो बड़ा आदमी बात कर रहे हो तो बीच में बोलने का नहीं, माइंड योर बिजनेस। और तभी मिथुन चक्रवर्ती आ गए, उनको भी गुस्सा आया, अमिताभ के पास आके बोले ओय तेरी सात का पैदा मारू, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे आज उसे पेट्रोल की जरूरत है कल तुझे भी होगी, तू भी एक बूंद पेट्रोल को तरसेगा, तुझे भी कोई पेट्रोल नहीं देगा, कोई शक। और तभी कहीं से अनिल कपूर आ गए, अनिल कपूर अमिताभ से बोले अमित जी पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे? अरे माय मिस्टर इंडिया समझा, मिस्टर इंडिया मत बोलोगे तुम एक क्षण से बात कर रहे हो, एंड माइंड योर बिजनेस। हाँ तो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने पेट्रोल क्यों नहीं दिया? अरे आप लोग सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, मैं पेट्रोल से नहीं मैं डीजल से चलता हूँ। हेलो सपना। आप कब आए? बस आप लोगों के होटल से निकलते मैं वहाँ पहुँचा और तभी से आपकी बस का पीछा कर रहा हूँ, रास्ते में एक स्टूपिड पुलिस वाले ने रोक लिया था। ओ। I'm so sorry, मोनीश जी, हमें पता होता तो बस रुकवा लेते। I'm very sorry. It's all right. By the way, सपना, आप सब लोग जा कहाँ रहे हैं? पता नहीं, हमारे गाइड मिस्टर सूरज ने अभी कुछ बताया नहीं। ये मिस्टर सूरज कौन है? हमारे उस्ताद श्री श्री सूरज। वैसे हम पहले डाक बंगले जा रहे हैं जो यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है बस। चलो सपना हम जीप से चलते हैं, ये लोग बस ठीक होने के बाद आ जाएंगे।
सबके साथ ही चलते हैं ना। एक घंटा यहाँ खड़े रहने का क्या सेंस है, हम लोग तो बस ठीक करेंगे नहीं। Come on यार। बॉस, छोकरा पेच लगाने में उस्ताद लगता है, इसको ज्यादा ढील मत दो नहीं तो पता उखड़ जाए कन्ने से। मैं बोलता हूँ आई डोंट बिलीव इन लक, ये तो चांस की बात है, कभी एक ही ख्याल के लोग मिल जाते हैं कभी नहीं भी मिल पाते। इसका मतलब है आप लव मैरिज में बिलीव करते हैं ताकि लड़का लड़की एक दूसरे के ख्यालों को अच्छी तरह समझ लें। देखो सपना, ये अरेंज मैरिज और लव मैरिज का सिस्टम जो है ना, ये हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऊपर लाद रखा है। आज इस जेट स्पीड के जमाने में लव जैसी बेकार फीलिंग के लिए वक्त किसके पास है। मेरी नजर में मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ डिजायर टू पजेस, जो चीज अच्छी लगी उसे हासिल करने की ख्वाहिश। और शादी अ सोशल अरेंजमेंट, क्योंकि ये मर्द और औरत दोनों की जरूरत होती है, फाइनेंशियल सोशल एंड फिजिकल, दैट्स ऑल। You bloody bastard, I'll kill you! Ram Sadho, tum! Manish! रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है क्या? शहंशाह। अरे 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 अरे, अरे, अरे गाइडू कमाल बच्चा नाम है लड़कियों का।
का अपने, हमारे उस्ताद का कमाल, इनके सामने टार्जन कुछ भी नहीं, कोई शक। थैंक यू वेरी मच। टू हेल विद योर थैंक यू। अगर इश्क करने का इतना ही शौक है ना तो करो, मगर सड़कों पर नहीं। अगर एक घंटा और रुक जाती तो ये नौबत नहीं आती। अब आंसू निकल रहे हैं मैडम, जब इज्जत पर एक बार दाग लग जाता है ना तो ये आंसू भी इसे नहीं धो पाते, समझी? ए मिस्टर, बकवास बंद करो। तुम होते कौन हमको भाषण देने वाले? यू आर अ पेड गाइड, ओके? वी कैन लुक आफ्टर आवरसेल्व्स, बेटर माइंड योर ओन बिजनेस। यू कैन गो टू हेल फॉर दैट मैटर। ये ग्रुप मेरी जिम्मेदारी है। गाड़ी स्टार्ट करो तनक सिंह, ताक बंगले जाना है। देखा रजनी कितना गंदा बोल कर गया। आखिर मुझे समझता क्या है? तुम्हें अपना समझता है वो सपना। सच, उसका गुस्सा भी उसकी मोहब्बत का ही एक रूप है। तुमसे प्यार करने लगा है वो, देखा नहीं तुमने? अपनी जान पर खेलकर उसने तुम्हारी जान बचाई। हाँ, यार ये मोहब्बत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पर क्या करो, अब तो चक्कर चल ही गया है। पर पहले उस छेला को
ओह गॉड, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, अच्छी खासी सूरत बिगड़ जाती है। तो बिगड़ने दो, तुमसे क्या हाँ? मोहब्बत हो गई है जनाब को। क्या मतलब? मुझसे। What? I like it. लगे रहो, chances are bright. हो सकता है एक ना एक दिन कामयाबी मिल ही जाए। Really? और तुम्हारे उस विलायती बाबू का क्या? हाँ? Competition, my dear, competition. जो जीता वही सिकंदर। Bye. All the best. You? I like it too. क्या बात है यार? हेलो, ओ माय डार्लिंग डैडी, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर अंकल आए थे? अरे बस बस बस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें मुनीश कैसा लगा? एकदम ड्राई फ्रूट की तरह। क्या मतलब? एकदम प्रैक्टिकल, बिल्कुल रोमांटिक नहीं है पापा। अरे भाई, करोड़पति की इकलौती औलाद है, अमेरिका में पढ़ा है, खूबसूरत है। लेकिन डैडी, करोड़पति है पर हर वक्त अरबपति बनने के सपने देखता है। प्यार उसे बेवकूफी लगता है और शादी सोशल अरेंजमेंट। अच्छा अब ये बताओ, तुम कब आ रही हो? ओ डैडी, थोड़े दिन और, यहाँ मेरा दिल लग गया है। What? दिल लग गया? किसे? ओ कम ऑन डैडी, मैं यहाँ की खूबसूरती की बात कर रही हूँ, एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ, फिजा की बात कर रही हूँ। ऐसा कौन सा खतरनाक जानवर है जिसका शिकार इस बंदे ने ना किया हो? सफेद हाथी, बब्बर शेर, चीता, पैंथर, बड़े बड़े अजगर सांप, दुनिया के हर मुल्क के खतरनाक से खतरनाक जंगलों में मैंने शिकार खेला हुआ है। लेकिन अब जिस शिकार का किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ऐसा किस्सा ना आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा और ना ही कभी सुना होगा। अच्छा, बराबर। वाह, वो अमावस की एक काली और भयानक रात थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। केनिया के घने जंगल में मेरी जीप हवा का सीना चीरती हुई बागी चली जा रही थी। मेरे एक हाथ में सर्च लाइट और दूसरे हाथ में राइफल। कि अचानक मेरी जीप के आगे एक 20 फुट लंबा शेर दुम दबाता हुआ भागता चला जा रहा था। कभी शेर आगे तो कभी जीप पीछे, कभी जीप पीछे तो कभी शेर आगे। मैंने अपने पैरों से जीप चलाते हुए उस पर गोली चला दी। फॉर्मूला 44 इस्तेमाल करते हैं, सही है? एकदम। चल निकल तू। और उसके बाद 2 घंटे तक वो शेर अपनी जान बचाकर भागता रहा। लेकिन वो गोली मनीष कपूर की गोली थी, कोई कंचे की गोली नहीं थी। क्या मजाल कि वो उसका पीछा करना छोड़ देती। आखिर 2 घंटे के बाद वो 20 फुट का लंबा शेर हफ्ता हफ्ता आया और मेरे पैरों से लिपट गया और मेरे पैर चाटने लगा। और उधर मेरी राइफल से निकली हुई गोली भिन भिनाती हुई गुस्से में आई और शेर के चारों तरफ चक्कर काटने लगी। कि अचानक शेर की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। उसके बहते हुए आंसुओं ने मेरे पत्थर दिल को मोम कर दिया। फिर मैंने उस शेर को, अरे भागो शेरा! गोली लग जाएगी। अरे संभाल संभाल के, अब चल जाएगी। बच गए। अरे कमबख्त छोड़। क्या रीशा साला, कुत्ता कहीं का? अबे अबे भाग रहा है वो, भाग रहा है विलायती। नहीं मेरे बाप, अबे नहीं। हे प्रभु,
संभाल के, बहुत ऊपर दिख रहा है, जरा धीरे फेंकना। अबे साले रियल दिखना चाहिए, चल। चाकू उस्ताद रियल है, जरा संभाल के। अबे ड्रामा भी तो असली लगना चाहिए। हाँ चल डैंग डैंग पाशा। अरे पाशा तुम जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, पता चला है, रीच को देख के बुड्ढा बाबा पैर चला है। सही था। शट अप, बहुत हो गया ये ड्रामा। क्या समझते हो तुम, हाँ क्या समझते, क्या हो तुम, इस तरह से तुम सपना के दिल में अपने लिए जगह बना लोगे? अपने ही घर में जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। औकात क्या है तुम्हारी मिस्टर, हाँ क्या औकात है तुम्हारी? सपना एक महलों में रहने वाली लड़की है, और वो जगह उसे सिर्फ मैं दे सकता हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ तुम उसे? हाँ मैं मोहब्बत। लिसन मिस्टर गाइड, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूं। हट जाओ मेरे रास्ते से, तुम्हें मेरी दौलत और मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। सुनो मिस्टर विलायती बाबू, ऐसी धमकियां ना अमेरिका में देना, हम हिंदुस्तानियों को नहीं, समझे? ओह शट अप नाउ सपना, यू हैव टू डिसाइड बिटवीन हिम एंड मी। तुम्हें ये दो कौड़ी का भिखारी गाइड चाहिए या मोनिश कपूर? सोच क्या रही हो सपना, जवाब दो। कॉम्पिटिशन माई डियर, कॉम्पिटिशन, जो जीता वही सिकंदर। क्यू मैडम, एम आई राइट? हेलो, चलते हैं। गुड मॉर्निंग हसीना, आओ। शिकारी बाबू चाय? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। सर्कस ज्वाइन करने का इरादा है क्या? जी नहीं, दरअसल मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके आ जाने से अनबैलेंस हो चुकी है। रियली? हाँ थ्रिल्ड। खून का दौरान अचानक बढ़ चुका है। अच्छा, सेहत के लिए अच्छा होता है। दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी है। वेरी गुड। और चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। क्या कह रही है? कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। कौन है वो? एक छोटी सी नाटी सी पॉकेट एडिशन। आई लव इट। अब ज्यादा देर मत करो, कूद पड़ो मैदान में और हासिल कर लो जो तुम्हें चाहिए।
किसी से मुझे प्यार हो, किसी का इंतजार हो, किसी से मुझे प्यार हो, किसी का इंतजार हो, जिसके लिए हर एक पल दिल बेकरार हो, किसी से मुझे प्यार हो, किसी का इंतजार हो, जिसके लिए हर एक पल दिल बेकरार हो, किसी से मुझे प्यार हो। सामने आ जाए वो जी भर के मैं बातें करूं, जब सामने आ जाए वो जी भर के मैं बातें करूं, नजरों से जो छुप जाए वो उसके लिए किसी से मुझे प्यार हो, किसी का इंतजार हो, किसी से मुझे प्यार हो। किसी से मुझे प्यार हो, किसी का इंतजार हो, जिसके लिए हर एक पल दिल बेकरार हो, किसी से मुझे प्यार हो।
अरे ठंडे ठंडे पानी से। अरे लाल, मॉर्निंग साहब, नाश्ते के लिए क्या क्या बनाए? पूड़ी है, खीर है। खीर? हाँ, क्या बात है। वाह, फर्स्ट क्लास बनी। और क्या बनाए? और ब्रेड है, मक्खन है, ऑमलेट है, गरम गरम चाय है। सूरज भैया, जल्दी से लड़के लड़के बुला लो, सब तैयार है। अरे ओ, और मेरा हाफ फ्राई? सारे अंडों का ऑमलेट बना दिया। आप अगर अंडा दे तो अभी आपका हाफ फ्राई बना देता हूँ। सूरज, सूरज, क्या हुआ रजनी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सपना, सपना तो कहीं नहीं मिल रही। क्या हुआ सपना को? सपना तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, उसे तो मैंने पूरे डाक बंगले में ढूंढे यार। कहाँ जा सकती है वो, यहीं कहीं होगी। मालूम नहीं। अरे सीमा, तुमने कहीं सपना को देखा है? नहीं तो हमने तो उसे सुबह से देखा ही नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तू ऐसा कर, तू इन लोगों को लेकर मंदिर की ओर चले जा, मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर। और अगर मैं एक घंटे में वापस नहीं आया तो तुम सब लोग पुलिस को लेकर वहाँ जाओ। ओके ओके, चलो चलो जल्दी करो, लेट्स गो, कम ऑन। सपना, 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 सपना। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। हाँ, मैं जानवर हूँ। सपना, फिकर मत करना सपना, अब ये कमीना यहां से बचकर जिंदा नहीं जाएगा। Thank you.
किया, ये तो मर गया। अब क्या होगा सूरज, तुम बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं तुम, अब क्या होगा? ये तो अपने हाथों मारा गया है ना। पुलिस इसका बयान नहीं सुनेगी सपना, बल्कि इसकी लाश देखेगी। सपना, जितनी जल्दी हो सके तुम यहां से भाग जाओ। सपना, तुम मेरी फिक्र मत करो। सपना, मैं एक मर्द हूं, अपमान और बदनामी के साथ जी सकता हूं, मगर तुम एक लड़की हो, वो भी एक बड़े खानदान की। अगर एक बार ये दाग तुम्हारे सर पर लग गया ना, तो ये दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। सपना, सपना मेरी बात मानो, भाग जाओ यहां से, तुम्हें मेरी कसम सपना, भाग जाओ। लेकिन सूरज, तुम्हें इस तरह। सपना जाओ, तुम यहां से जाओ, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगी। सपना, सपना अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। गो फोगो से गो, गो सपना गो, गो सपना गो। सूरज, मैं आ रही हूं। ये क्या पागलपन है सपना, ये खून हुआ है और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा, फांसी होगी ना, होने दो। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। इस चाकू को छुपा दे सूरज, वरना तू फंस जाएगा। सोच क्या रहा है तू? ईमान बना बैठा है, अपना बाप का आप ही समझा है। अबे इंस्पेक्टर, आराम ज्यादा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। अबे खड़क सिंह, तनिक पकड़ के बैठा जमीन पे का। गाइड हो हाँ? मार्गदर्शक, बहुत बढ़िया मार्गदर्शक हो। एक शरीफ आदमी को सीधा ऊपर का रास्ता दिखाई दिए। कनेक्शन है, है? बहुत भयंकर कनेक्शन है। तेरा रिकॉर्ड तो बहुत बढ़िया है बे, पुलिस खाता में कोई जुर्म दर्ज नहीं है। छकड़िया के चक्कर में हत्याकांड कर दिया ब्लडी फूल है,
प्लीज इंस्पेक्टर। बोलिए बोलिए, कहिए ना, ये तो बेचारा बेकसूर है, दूध पीता बालक है। साहब जी, इस लौंडिया का बयान यो है, यो जो लौंडा है ना, आप चोंच बंद नहीं ना करेंगे। हर अपराधी यही ना कहता है कि हम कौन अपराध नहीं किया हूं, है? हम इनोसेंट हूं। मेरे बयान का एक एक लफ्ज सही है इंस्पेक्टर साहब। वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। अच्छा, अगर सूरज वक्त पर ना पहुंचता तो भरतपुर लूट जाता। काय ना एक कहती हो कि वो जो अमेरिका वाला रहा वो कबाब में हड्डी बन रहा था, है? देखा, प्रेम से बताए दो, प्रेम से बताए दो, काहे लुड़का दिया उस अमेरिका वाला को। मुझे जो कहना था वो कह चुका, समझे? ए दीवान जी, हाँ जी, जरा हमारी चमेलिया को तो लेके आइए। चमेली कहा था, एक चमेली। चंपा के लिए नाच देखोगी हमारी चमेली का? देख मुन्ना, चमेली का नाच हो से पहले बता दो, वरना काला तेरी को। एक बार छोड़ के ना दे। एक मिनट इंस्पेक्टर, अगर मैंने सूरज को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मेरे डैडी बहुत बड़े आदमी हैं। हजूर से बड़े तो नहीं है ना, अरे लाल यादव के सामने कुतुब मीनार और छोटी है। देखा चंपा कली, अब तुरा हो गया है काम खत्म, अब हमारा चमेली का नाच शुरू हो गया है। तू चला जा, जा। सूरज तुम फिक्र ना करना, बस डैडी तक खबर पहुंचने की देर है। ओहो, इनके डैडी जान से मार देंगे हमका। दीवान जी, ये छोकरा को जरा मेहमान खाने में ले चलिए, लगता है चमेली का नाच देखे बगैर ये बोलिए नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ श्यामलाल, मैं सपना बोल रही हूँ नैनीताल से। बीबी जी, हाँ मालिक तो अमेरिका गए 10-15 दिन के वास्ते। ओह नो, सुनो श्यामलाल, डैडी का मिलना बहुत जरूरी है, तुम ऑफिस में पता करो और जहाँ कहीं भी हो डैडी उन्हें फोन करो। अच्छा बीबी जी। उनसे कहो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, उन्हें फौरन यहाँ भेजो श्यामलाल, किसी भी तरह उन्हें कॉन्टेक्ट करो। समझ गया बीबी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मालिक तक खबर पहुँच जाएगी। ओके। सपना जी, उस्ताद अब क्या होगा? उस्ताद को तो पुलिस। उन्हें कुछ नहीं होगा कमाल, मैं सब ठीक कर दूंगी, मेरे डैडी बहुत बड़े आदमी हैं, वो आते ही सूरज को छुड़ा लेंगे। आसी की मासू की है ईका कात है चमेली का मुजरा का, समझा? का भैया अकेला आई कि नहीं? काबे मिलावटी की तरह का देख रहा है, हमका खाएगा काबे? हाँ ये खड़क ही देख साहेब, बहुत बढ़िया खड़क रहा है, और खड़काइए ना। आपका नहीं बोलब ना तो मार ही डालब तो का बोलबा के नहीं, नहीं बोलब या बोले अरे बापू बोले। इंस्पेक्टर, इस हवालात में तू शेर है और मैं मजबूर, अगर मर्द की औलाद है तो मुझे खोल कर मैदान में आ जा, फिर पता चल जाएगा। पुलिस को चुनौती देता है बे साले तेरी तो। ना ना खड़क सिंह ना, ये लौंडा हमका चैलेंज किया है, अमिताभ बच्चन बने हो, हाय हाय अमर अकबर अंथनी देखे हो, बड़ा बढ़िया किया, हमको बनाए दिया विनोद खन्ना। ए खड़क सिंह, तनिक ले चला एका मैदान में, देख अब कितना मर्दानगी है सूअर का बच्चा मां, हमका चैलेंज दिया। आ,
सारा छह गोली खत्म कर दे। तू भोले लाल यादव कंगला हो, तू भोले लाल यादव कंगला। साहब यू क्या करो, जो काम ना करो साहब। अरे साहब यो तो सारी मुसीबत आपके सर पे पड़ जाएगी, इसके लिए कोई और तरकीब सोचेंगे। साहब अंदर जाओ आप, इसे तो सोने को मैं खड़ा करूंगा। आप जाओ साहब। सोने तेरा ये हाल करूंगा, तुझे नहीं पता मैं तेरे हाथ जोड़ तोड़ दूंगा सारे सारे। ले जाओ। तकलीफ क्या गाड़ी भेजकर? कौनो खास काम है का? हाँ इंस्पेक्टर, मैंने केस ठीक से समझ लिया है। लड़की के बयान से मेरे बेटे का कातिल बच जाएगा। उसे सजा होगी तो कितनी? 2 साल, 4 साल? No, that's not enough. I want that bastard dead. मैं उसकी लाश देखना चाहता हूं। हो जाइए, थोड़ा काम हो जाइए। तनिक 10 लाख। दस? खड़खड़ा काड़ा बे। अरे नहीं साहब, बहुत बढ़िया है। 5 अभी। 5 काम होए का बात। ये डायलॉग तो फिल्मों में बहुत सुना हूं, बहुत देखा हूं। देखा बिली साहब, तू हमारी बात विश्वास किया, हम तोरी बात विश्वास किया। अगर बीच में कोई विश्वासघात हुआ तो हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दूंगा। चला खड़क सिंह। 1 मिनट इंस्पेक्टर, जिम्मेदारी लेने से पहले तुम भी अच्छी तरह सोच लो। बीडी पैसा मुस्कुरा कर देता है, लेकिन अगर वापस देना पड़ गया तो तुम जिंदगी भर नहीं मुस्कुरा पाओगे। हड़का रहे हैं। देखिए, भूरे लाल ने हाँ कह दिया ना तो भगवान ना नहीं कर सकता है क्या खड़क सिंह? अरे बहुत बड़े सत्यवादी हैं हमारे इंस्पेक्टर साहब। हाँ, अब देखिए, लौंडा तो अपने हाथे में है ना, कोरट जाए से पहले उका राम नाम सत कर दे। ठीक। और सुनिए, भोरे का विश्वास रखिए। चल भाई। चल भाई उठ, साहब जी बुलावे हैं। कहाँ जाना है भाई? साहब जी क्या है, मौका है वारदात पे जाना। अब मेरा मुंह क्या देख रहा भाई? चल उठ, अगर साहब जी आ गए तो चमेली नाचेगी यार, तू भागा भागा फिरेगा। हाँ चल उठ। अब नखरा के करने लगा, चलना। अब चल सीधा सीधा आ जा, लेके जाओ साले को और बिठाओ जीप में। चल भाई गया ससुरा काम से। कल शहर में चर्चा होगी कि पुलिस से भाग रहा था, मारा गया। दीवान जी ठीक कह रहे हो, गुंडों का करके उनको खत्म कर देना चाहिए। न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। ये तो मौका है वारदात नहीं है। कहां ले आए आप लोग मुझे?
मिठाई खिलाए लाए हैं तो का अकेला मां राम ज्यादा समझ गया तुम लोग मेरा फर्स्ट एनकाउंटर करने लाए हो। अब बेटे मैं बहुत जल्दी समझ गया लौंडे सरकार कर दो साले का तुरंत दान माँ कल्याण बांधे ससुर की आंखन पे पट्टी। बंदूक मुझे दो। सपना नहीं, इस तरह तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। सपना सूरज, मुझसे नहीं देखी जाती तुम्हारी हालत। अपनी हालत देखी है? रो रो कर आंखें लाल कर ली है अपनी? पुलिस पर गोली चलाकर खुद को अपराधी बना लिया है तुमने? अरे मैं तो मौत का कैसे भी सामना कर लेता। कैसे छोड़ देती तुम्हें मौत के मुंह में, उन हथियारों के हाथों में? फिर मैं कैसे जी पाती सूरज, बोलो। आहा, इसी को तो कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। तो जैसा दोस्त जैसे भी मिल जाए उसे दुआओं की कोई जरूरत नहीं। तूने तो दोस्ती का हक अदा कर दिया मेरे यार। हेलो हेलो, कमांडिंग हेडक्वार्टर, एक जिप्सी मारुति लाल रंग की गाड़ी नंबर GBP 130, दो जवान लड़के और एक जवान लड़की हत्या करके भागे हैं, सारे रास्तों पर नजर रखी जाए। ओवर। यह है आपके डिपार्टमेंट की कारगुजारी। मेरी मासूम बच्ची को कातिल बनाकर उसकी जान के पीछे पड़ गए हो। देखिए मिस्टर कपूर, वो आपकी नजर में मासूम हो सकती है क्योंकि वो आपकी बेटी है, लेकिन कानून की नजर में हथियारन है ना? जी हाँ, उसने न सिर्फ एक पुलिस वाले की हत्या की है बल्कि एक मुजरिम को कानून की हिरासत से फरार होने में उसकी मदद भी की है। खूब रची है कहानी आपके डिपार्टमेंट ने। एक शरीफ लड़का जिसने मेरी बेटी की इज्जत और जान बचाई है उसको गोली मार देना चाहती है आपकी पुलिस। इल्जाम लगा रहे हैं आप। इल्जाम नहीं, ये सच्चाई है। इल्जाम आपके डिपार्टमेंट ने उन मासूम बच्चों पर लगाया है, इश्तियारी अपराधी बना दिया उन्हें। कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई उचित समझी वो की गई है। कानून तो हमारे लिए भी है साहब। अब देखिए मैं क्या करता हूं। तो जाकर कीजिए जो कुछ भी करना है। डोंट वेस्ट माई टाइम। आपकी आंखें खोलने आया था ऑफिसर। शट अप।
मैं आपके लिए हवालात का दरवाजा भी खोल सकता हूं। जस्ट अ मिनट ऑफिसर, बैठो। मैं सीआईडी ऑफिसर आर के वर्मा हूं। खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर वर्मा। थैंक यू। एक नजर इस पर भी डालें। व्हाट इज इट? ये होम मिनिस्ट्री का स्पेशल ऑर्डर है। इसके तहत मैं इस इलाके में किसी भी केस की छानबीन करने का अधिकार रखता हूँ। इस क्षेत्र में आपका स्वागत है मिस्टर वर्मा, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, मुझसे किसी सहयोग की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मेरे ऑफिसर्स बहुत ईमानदारी से कानून की सेवा कर रहे हैं और उनका अपना ढंग है। मुझे भी अकेले काम करने की आदत है, मेरा अपना भी एक अलग अंदाज है काम करने का। ऑल द बेस्ट ऑफिसर। थैंक यू वेरी मच। ठंडा है, कोले पानी है, ठंडा है, खंबा उखाड़ दूंगा, तंबू उखाड़ दूंगा, कोले पत्थर है, नहीं पानी है, अरे पानी ठंडा है, चाय गरम है, उसका चाय पिएगा, भाभी पिएगी। अरे उस्ताद गर्मा गर्म चाय। अरे पाशा कहाँ से लाए रहे सब? होटल वाले को पटा के लाए हूं। अच्छा उस्ताद, भाभी चाय देना, भाभी को जाना जाना जा पकड़। पापा चारू चाय। अरे बाबा क्या हुआ, रो भी रही हो और पेड़ भी खा रही हो? कुछ नहीं, दादी की याद आ रही है। रोने से क्या फायदा जानू, हम तीनों के लिए अब तो किस्मत में जो लिखा है वही होकर रहेगा। ए वैसे भी हमने साथ में जीने मरने की कसम खाई थी, याद है कि नहीं? हाँ याद है। लो करेक्ट। अरे अब तो जितनी भी जिंदगी बची हम तीनों आज खेल के गुजार देंगे, क्यों सपना? अरे उठो ना, चलो एक सफर है सुहाना। अबे खाने का मामला फिट हो गया। हाँ, चलो चल के कुछ खाते, बहुत भूख लगी है यार। अरे यहाँ से कुछ चलते हैं। मुखिया हाँ। जी को तो पहला लड़का हुआ है अभी तो। ठेके की शराब है, भंग के लड्डू है और रात को नौटंकी है। अरे वाह भैया वाह। मुखिया जी तनी की देखो, ये कब पकड़ के लाए हैं हम। चलो नीचे चलो, मुखिया जी सब भंग के लड्डू चुरा के खा रहे थे। चलो चले चलो। ए नत्थू काहे पकड़ लाए इन बच्चन का, ये तो हमरे गांव के नहीं है। शहरी है मुखिया जी, लड्डू चुरा के खा रहे थे। अरे नत्थू मिठाई की चोरी बच्चे ही कर रहे थे, छोड़ दे इनका। अब बताओ तुम लोग हो कौन? मुखिया जी दरअसल हम तीनों बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। हम लोगों के पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा, वो कुछ डाकू हमारे पीछे लगे हुए हैं। डाकू हमारे इलाके में? और चाचा मालूम है उन डाकुओं ने पुलिस की वर्दियाँ पहनी हुई हैं। अच्छा, और चाचा डाकू एकदम पुलिस वाले जैसे लगते हैं। हम लोग तो दिल भूखे प्यासे। कौनो चिंता की बात नहीं, खाओ पियो मौज करो। हाँ जी। आवन दोन डाकुओं का उन सालन का पेड़ पे बांध कर अगर चमड़ी ना उधेड़ दिन तो मुखिया इस गांव के नहीं। शुक्रिया मुखिया जी, बहुत सही। नत्थू चल जाके काम देख। तू जाकर लौंडा लौंडी देखे हो का? ए ए ककरा बे, ए हमें हाथ छोड़, पकड़ा गया का बे, पकड़ा गया का? इका हो रहा बे, इका हो रहा है। नाल बंदी है बेटा, पुलिस की वर्दी पहनकर मासूम बच्चन को लूटे तो अभी पुलिस का बुलवा के तोका बंद करवाते हैं। अरे ओ नथुआ बुला दीवान जी का, कहो के मुखिया ने डाकू पकड़े। अबे मुखिया पकड़ा क्या काबे? हम भूरे लाल यादव हूँ, पूरा शहर जानता हमारा बारे में। लौंडे से बोल हमारा हाथ छोड़ दे, छोड़ दे हमारा हाथ, तोरी मौत आई है काबे। चुनौती देते हमका, हमार नहीं तो हर मौत आई है। देख भाई मुखिया तू राडा तो करे ना, तू यो समझ रहा कि हम डाकू हैं? चल ठीक है तेरी बात सही, तू दीवान जी को आ जान दे, वो दीवान तुझे आके बतावेगा कि हम डाकू के पुलिस के अफसर हैं। चलो भागो। बंदा सालन का देखा मुखिया, तेरा खेतों को बहुत महंगा पड़ेगा। के मारा के कर लेगा तू? Thank you.
राही ना तो मंजिल, जाने कैसी हम पे आई मुश्किल। ना तो राही ना तो मंजिल, जाने कैसी हम पे आई मुश्किल। ये तो सोचो अब क्या होगा, जरा ये तो सोचो। हमें सोचने की जो फुर्सत मिली सोचेंगे मेरी जान। अरे बाबा ये दिल क्यों मचलने लगा, अरे बाबा ये दिल क्यों मचलने लगा। शेट पाशा, क्या हुआ? लगता है पेट्रोल खत्म हो रहा है। कोई बात नहीं यार, आगे पेट्रोल मिल जाएगा। ओ भाई साहब, आ रहा हूँ। पेट्रोल मिलेगा? हाँ मिलेगा मिलेगा। चाबी लाइए। लो भाई साहब, फुल टैंक। हाँ हाँ देता हूँ। हम दोनों को पहचान लिया है। ओह नो। हो गया? हाँ हो गया। साहब चाबी। चाबी ले आ। हाँ हाँ देता हूँ। बिल अपने बाप को दे देना। बाय। रुक रुक। अरे भाग गया अभी फोन करता हूँ। हाँ हेलो, पुलिस स्टेशन पिथौरागढ़। मैं देवीधुरा पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ। Thank you.
पाशा, ये क्या हो गया तुझे यार? नहीं कुछ नहीं, अपना तो वक्त है। नहीं, नहीं। तू सब रख लेके भाग जा। सूरज भाग जा। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जा। तुझे मेरी दोस्ती के सब ये सुनो कि दूसरी गोली। अरे अगर मर गया ना दो चार को तुम सपने को लेकर जाओ, चले जाओ प्लीज। और हाथ जोड़ता हूँ, सपना जाओ, सूरज जल्दी जल्दी भागो, मैं इनको रोकता हूँ। अरे निकल निकल, अरे पाशा निकल गए। कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे आप एसपी साहब? इसी तरह पुलिस वालों की लाशें गिरती रहेंगी और वो हरामजादा अपनी माशूका के साथ अय्याशी करता रहेगा। शराब, शराब! अगर मेरी मासूम बेटी के बारे में कुछ बोला तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये सब तेरे अय्याश बेटे की वजह से हुआ है। कपूर, तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे पूरे खानदान का नामो निशान मिट गया है। मैं बदला जरूर लूंगा। एक्सक्यूज मी, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। बाहर जाके अपने झगड़े निपटाइए। यादव सरकार, अपराधियों को देखते ही गोली मार दो। I want them at any cost, dead or alive. हो जाइए सरकार, हो जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप एसपी साहब? वो कोई प्रोफेशनल किलर्स नहीं है, उन्होंने तो अपने बचाव में सिर्फ हत्याएं कर रहे हैं, वो भी पुलिस वालों की। ठीक है, मैं भी अपने जवानों के बचाव में ये कदम उठा रहा हूं। कहां होगी मेरी बच्ची? न जाने किस हाल में होगी बेचारी। सूरज, हम लोग कहां जा रहे हैं? पता नहीं सपना, अब तो किस्मत जहां ले जाए। कम ऑन सपना, कम ऑन, या संभल के सपना। ओह नो, और चला नहीं जाता सूरज, बस बहुत दर्द हो रहा है। सपना थोड़ी दूर और बस। क्या हुआ? ओह माय गॉड, सपना, सपना,
क्या से क्या हो गई तुम्हारी जिंदगी, इतने खुश थे तुम अपनी जिंदगी में, मेरा साया पड़ते ही कितनी मुसीबतों ने घेर लिया है तुम्हें। नहीं सपना, पहले मैं दूसरों की खुशी के लिए जीता था और अब? अब मैं अपनी खुशी के लिए जी रहा हूँ। इस वक्त मुझे जिंदा रखने के लिए मेरे लिए जी रहे हो सूरज, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो सूरज। हाँ सपना, जीऊंगा भी तुम्हारे लिए और मरूंगा भी तो। मरने का नाम ना लो, बहुत डर लगता है। मौत से डरने वाले जी नहीं पाते सपना, अब तो इश्क में जीना है, इश्क में मरना। सूरज, आई लव यू टू सपना, आई लव यू टू। सर मैं सूरज और ये सपना। सर हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, हमारी जान खतरे में है सर, प्लीज बचा लीजिए हमें सर। मैं जानता हूं, तुम लोगों की तस्वीर मैं अखबार में देख चुका हूं। वो सब गलत है सर, आप मेरी सपना की जान बचा लीजिए सर, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा सर। देखिए सर कितना खून बह रहा है इसका सर, आप मेरा यकीन कीजिए सर, प्लीज सर भगवान के लिए सर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा सर, एक बार प्लीज सर एक बार। ज्यादा चोट नहीं लगी, गोली खुरच कर चली गई। सर रहने दो सर प्लीज। हिम्मत से काम लो बेटे, लाइट द कैंडल। सूरज हिम्मत से, थोड़ी देर और। सूरज, बस सर और नहीं। हिम्मत से काम लो बेटे, चलो आंसू बचो जल्दी से। शाबाश शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह हा? बहुत बहादुर बच्चे हो। थैंक यू। इट्स ऑल। गो स्लीप बेटा, गो टू स्लीप, गुड नाइट।
खुशी हो या गम मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम तेरी कसम मर जाते हम सह नहीं पाते हम तो ये सितम मिलता ना दिन बहुत है जो चाहत में बीते वैसे तो जीने को बरसों भी कम है दो दिन बहुत है जो चाहत में बीते मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम तेरी कसम मर जाते हम सह नहीं पाते हम तो ये सितम मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम मिलता ना There came a lady knocking on the door with the ooh and the ah. And I want some pie, the pie was sweet. I want some meat, the meat was raw. I want to go by bus, the bus was full. I want to go to statue. बुड़बाक दूध चाह लेके आओ एक छोकरा छोकरी देखे हो वो खून करके भागे हैं अगर कहीं दिखाई दिए तो हमको इन्फॉर्मेशन देना देखे कैसे बचते हैं भूरे के हाथन से क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए ना तो पुलिस तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी अब आप ही बताइए सर हम दोनों को क्या करना चाहिए एक ही रास्ता है तुम दोनों के नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर जाओ थोड़ी दूर पे तराई में जाने का मतलब ये है कि पुलिस के हाथों में फंसता समझे क्या हम वहां जाकर सुरक्षित रहेंगे और मेरे डैडी को कैसे पता चलेगा मैं मिलूंगा तुम्हारे डैडी से और मैं उनको तुम्हारे पास लाऊंगा और घबराओ मत सूरज मैं तुम्हारा केस फाइट करूंगा थैंक यू सर ये मेरा तुम दोनों से वादा रहा लगता है पुलिस आ रही है ऐसा करो तुम लोग उत्तर का रास्ता पकड़ो आगे पंचेश्वर शहर मिलेगा और फिर वहां से नेपाल का बॉर्डर शुरू होता है ऑल द बेस्ट भगवान तुम दोनों की रक्षा करे पुलिस आ गई चलो उठो जल्दी थैंक यू सर थैंक यू सर टेक केयर और कौन है किसकी बात कर रहे हैं आप मैं तो यहां अकेला रहता हूं अकेला रहा आराम ज्यादा
अकेला रहा था है? इस मेज पर तीन टुक खाने का प्लेट में रखे हो अपन दामाद और छोकर के रखे हो तुम हा? छोकड़ा छोकड़ी कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। राम दादे बता कहाँ है मेरे बेटे का कातिल बता। बेड़ी साहब ये हमारा डिपार्टमेंटल मामला है और उससे हम ही हैंडल करूंगा। खड़क सिंह जी साहब हम इनसे कुछ सवाल करूंगा और अगर ये जवाब नहीं दिया ना। अरे समझ गया साहब ये तो ऐसे बोलेगा जैसे बोले और स्टिक कर। कहाँ है वो लोग? मैं कुछ नहीं जानता। नहीं बताएगा? मैं कुछ नहीं जानता। कहाँ है वो दोनों हरामजादे? नहीं बताऊंगा। नहीं बताई तो जान से मर। रुक जाओ इंस्पेक्टर। यहाँ तक आ गए हमारा तुम छल्ला बने। क्या जुर्म है इस आदमी का? जुर्म ये अपराधियों को छुपाया है और उनका फरार हो दिया का मदद किया है ये जुर्म है का। कोई सबूत है तुम्हारे पास? इस कमीने के पास कोई सबूत नहीं। सपना और सूरज को पनाह मैंने दी। सपना के जख्म के ऊपर टांके मैंने लगाए। सूरज को फॉल्स एनकाउंटर में मारने की कोशिश इसने की। सपना और कमाल ने अपनी जान पर खेलकर बचाया सूरज को। कमाल तो मारा गया लेकिन तू कुछ हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। चला गोले। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं इंस्पेक्टर, ये बात याद रखना। एक बार वो बच्चे मुझे मिल जाएं, फिर मैं तुम्हारी वर्दी समेत तुम्हारी खाल खींच लूंगा। एक बात आप गौर से सुन लो और गांठ बांध लो। जान दिन हमारा अंटा पे चढ़ गया ना तो उन चिट्ठी मारेंगे। और एक बात और, वो छोकरा छोकरी कहां जाता है क्या करता हमारा का सब मालूम है। चला खड़क सिंह। बच्चे कहाँ हैं? चलिए मैं बताता हूं। आइए चलो सपना उठो। अब और नहीं चला जाता सूरज। और कितनी दूर है नेपाल बॉर्डर? बस सपना थोड़ी दूर। हौसला रखो सपना। देखा तो आ गई हमारी मंजिल। ए अब तो खुश हो ना? चल दे ताली। सपना सपना मेरी बच्ची। Oh, no! Hey!
खुदा हाफिज खान साहब। कम ऑन सपना, हिम्मत रखो सपना, संभल के। याद है वर्मा, हम का कहे थे हाँ? जउन दिन हमारा अंडा बच जल गया तो चिट्ठी मारूंगा। अड़क सिंह आया साहब जी, चलो भाई बहुत हो गया थारा नाचना गाना, लाओ तमंचे, अच्छा लो पुराने गाँव। Thank you.
मच गया शोर सारी नगरी रे नगरी रे आया बिरज का पूरा संभाल तेरी संभाल तेरी संभाल तेरी गटरी रे साहब जी बाबला हो रहा है काबे नचनिया हाँ तो प्रियजनों मनोरंजन समाप्त होते हैं अब शुरू होते है असली कार्यक्रम क्या वर्मा जी मजा लूट रहा ठंडे में चोटी के कहो वर्मा जी का खाइयो है लाते खाइयो मुक्का खाइयो या करारा थप्पड़ या फिर जूता उरेलाल कमीने हुक्म कीजिए मालिक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा उरेलाल तूने कानून का मजाक उड़ाया है तुझे अंदाजा नहीं इसका अंजाम क्या होगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जानत हूँ बहुत अच्छी तरह जानत हूँ कानून की नजर में हम भ्रष्ट हूँ गद्दार हूँ और जनता की नजर में हम कमीना हूँ तू भी नजर में हरामी इस वर्दी का बहुत अपमान किया हूँ बहुत घोर अपमान किया हूँ और ये सब जानते हुए भी तुझे कानून से डर नहीं लगता लागत है बहुत लागत है तभी तो इतना लंबा खंबा से बांध दिया हूं तू काम जाने थे अगर हम तू का जिंदा छोड़ दिया ना तू तो हमरा बाजा बजा देगा इसीलिए हम सोचा हूं काहे ना तेरी ढोलक ही फाड़ दूं बतावा मालिक कौन सी मौत देके हम आपका प्रसन्न करें शूट द बास्टर्ड्स गोली मारो और किस्सा खत्म करो कहू ना मैं चला रहा अबे करण सिंह जान बचा भाग ज्यादा चिंता
उरेलाल, तेरा वक्त आ गया। नहीं सर, नहीं। सर, मैं इसे मारूंगा सर। इतने तक मेरी बच्चे की जान ली है सर। सर, छोड़ दो मुझे सर। दिया, मैं तो सिर्फ 15 दिन के लिए ही तो जा रही हूँ। बच्चे